हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवलदे भारती। आज से हम लोग लीफी वेजिटेबल क्रॉप प्रोडक्शन डिस्कस करेंगे इस वीडियो से। अभी तक हम लोगों ने जो है कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल्स को डिस्कस किया था, जिसमें सारी वेजिटेबल्स हम लोगों ने मेलन्स, गार्ड्स और जितने भी पेरिनियल कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल्स हैं, इन सभी को हम लोगों ने जो है डिटेल में इनका कल्टिवेशन प्रैक्टिस को डिस्कस कर लिया है पिछले लेक्चर में। तो आज से हम लोग आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है नेक्स्ट उस पर आएंगे, टॉपिक पर जो है लीफी वेजिटेबल क्रॉप का कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी को जिसमें डिस्कस करना है। लीफी वेजिटेबल क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती हैं? वो वेजिटेबल क्रॉप्स जिनमें लीफ जो है एडिबल पोर्शन होता है, जिनमें लीफ को हम लोग जो है कंज्यूम करते हैं, मेन इकोनॉमिक पार्ट उसका लीफ होता है। तो ऐसी सभी वेजिटेबल क्रॉप्स को हम जो है लीफी वेजिटेबल क्रॉप्स के अंतर्गत रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आज हम लोग पहली क्रॉप डिस्कस करेंगे अमरंथस। ये एक समर लीफी वेजिटेबल क्रॉप है, मतलब समर सीजन में ये आती है, जिसको कि हिंदी में आप लोग चौलाई के नाम से भी जानते हैं। अगर वैसे जानते होंगे लेकिन नहीं जानते, तो ये इमेज आप देखिए, रेड कलर की लीफ भी होती है और ग्रीन लीव्ड भी होती है, दोनों ही तरह की लीव होती है, इसको चौलाई बोलते हैं। ये जो है इसको एज अ इसकी लीव जो है हम लोग कंज्यूम करते हैं, है ना, हिंदी में इसको चौलाई बोलते हैं। अमरंथस इसका बोटेनिकल नेम भी है, जो है हिंदी में इसको चौलाई बोलते हैं। फैमिली है इसकी अमरंथेसी, क्रोमोसोम नंबर है 32, 34। ये डिप्लॉइड स्पीश, अगर प्लांट डिप्लॉइड है तो 32 या 34 होगा क्रोमोसोम नंबर, और अगर टेट्राप्लॉइड है तो 64 होगा। ओरिजिन है इसका सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया। ये सारा जो रीजन है वो अमरंथस स्पीशीज़ की बायोडाइवर्सिटी या ओरिजिन के लिए जो है यहीं पर इसकी ओरिजिन देखी जाती है। अब चलिए थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अमरंथ इज़ द मोस्ट कॉमन लीफ वेजिटेबल ग्रोन इन इंडिया। ये बहुत ही कॉमन सी वेजिटेबल है, जिसको साग के तौर पर या लीफी वेजिटेबल के तौर पर भारत में ग्रो किया जाता है, स्पेशली इन समर सीजन। लीव्स और स्टेम इसके सकुलेंट होते हैं, है ना, और गुड सोर्स होते हैं आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए और विटामिन सी का सोर्स होते हैं। इसकी जो लीफ होती है, इसमें हाई ऑक्सेलेट कंटेंट पाया जाता है और नाइट्रेट पाया जाता है। अब एक चीज़ यहाँ पर और जान लीजिए कि अभी तक हम लोग चौलाई को जो है जनरली चौलाई को उसकी मतलब जो लीफी वेजिटेबल के तौर पर ही हम लोग जानते हैं, लेकिन इसका जो एडिबल पार्ट है वो लीफ ही नहीं है बल्कि सीड भी है, बीज भी है इसका। लेकिन जब हम वेजिटेबल प्रोडक्शन में पढ़ते हैं वेजिटेबल के तौर पर, तो हम लोग इसकी जो है सिर्फ लीफ को कंसिडर करते हैं, लेकिन जब सीड की बात आती है तो जो है वो हम वेजिटेबल कल्टीवेशन में नहीं पढ़ते, अगर हम अमेरेंथस को इसके बीज के लिए उत्पादन कर रहे हैं, है ना, वेजिटेबल के लिए नहीं, मतलब लीफ ही पार्ट के लिए नहीं बल्कि इसके लीफ सॉरी सीड के लिए कर रहे हैं, तो जो है वो हम वेजिटेबल प्रोडक्शन में नहीं पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी जानकारी के तौर पे आप लोग जान लीजिए कि अमरंथ जो है दो प्रकार का होता है। अगर हम इसकी पत्तियों के लिए इसका उत्पादन करते हैं तो वो लीफ अमरंथ कहलाता है, यानी कुछ स्पेशीज ऐसी हैं जिनमें जो है लीफ उसका एडिबल पार्ट है तो उसको लीफ अमरंथ कहा जाता है, और कुछ में बीज उत्पादन के लिए जब हम करते हैं तो उसको ग्रेन अमरंथ कहा जाता है, यानी उसके सीड या ग्रेन के लिए हम लोग उसको उगाते हैं। अब ये ग्रेन अमरंथ है क्या, आप लोग अच्छे से जानते हैं, जो है आपने सुना होगा रामदाना का नाम सुना होगा, जिसके लड्डू वगैरह बनते हैं या आटा भी उसका यूज़ किया जाता है। तो वो जो रामदाना होता है वो एक्चुअली अमरंथस का ग्रेन है या सीड है, जिसको कि हम लोग रामदाना के नाम से जानते हैं, और हाई उसमें रिच होता है, प्रोटीन का कंटेंट है, मतलब प्रोटीन का बहुत ही रिच सोर्स है रामदाना, या अमरंथस का जो सीड है वो प्रोटीन का रिच सोर्स है, और जो उसकी लीफ है उसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए और विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है, है ना। तो जब हम वेजिटेबल के तौर पे इसकी लीफ को कंज्यूम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए या विटामिन, मतलब मिनरल्स और विटामिन्स मिलते हैं, और जब हम उसके सीड को कंज्यूम करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में उसमें प्रोटीन हमें मिलती है, है ना। तो इस प्रकार से अमरंथस जो है दो प्रकार का होता है, लीफ टाइप और ग्रेन टाइप, है ना, और ये दोनों ही, इसकी पत्ती और इसका ग्रेन, किसी भी तरह का मैल न्यूट्रिशन जो है वो उसको रिमूव करने में जो है वो मदद करते हैं।
ज़्यादातर जो गरीब लोग होते हैं, पुअर पीपल होते हैं, जहाँ जिनके पास जो है एक बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट नहीं होती, मिल पाती है, तो अगर अमरंथस का सीड और पत्ती वो सब कुछ कंज्यूम कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक मेल न्यूट्रिशन को जो है कंट्रोल हो जाता है उनमें। तो ओरिजिन, अभी आप लोगों ने देखा पीछे ओरिजिन, तो ओरिजिन में जो ग्रेन एमरंथ है, मतलब सीड एमरंथ वाला जो प्लांट है या जो स्पेशीज़ है एमरंथस की, जिस मतलब वो स्पेशीज जिससे हम लोग बीज के लिए जो ग्रो करते हैं या ग्रेन के लिए, वो स्पेशीज़ का ओरिजिन है सेंट्रल या साउथ अमेरिका। और जो लीफ एमरंथ है, यानी वो चौलाई जिसमें जिसकी पत्ती के लिए हम लोग जो उगाते हैं, जिसमें पत्तियाँ ज़्यादा एडिबल पार्ट होती हैं, उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन है इंडिया। तो ये चीज़ आप लोग बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा कि एमरंथस में ग्रेन एमरंथ अलग स्पीशीज़ होती हैं और लीफ एमरंथ अलग होती है। ऐसा नहीं है कि जो है लीफ एमरंथ का जो सीड है वो एडिबल नहीं है, वो भी एडिबल होता है, उसे भी उससे उसके ग्रेन भी हम लोग जो है रामदाना के तौर पे यूज़ करते हैं। लेकिन मेनली जो कुछ जैसे कुछ स्पीशीज़ एमरंथस की ऐसी हैं जिनमें हाई सीड प्रोडक्शन होता है और क्वालिटी सीड की अच्छी होती है, तो उस स्पीशीज़ को हमने अलग कर दिया है कि इसको हम ग्रेन एमरंथ के तौर पे यूज़ करते हैं। और कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनमें लीफ हाईली न्यूट्रिशियस होता है और सीड बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, तो उनको हम लोग जनरली लीफ एमरंथ के तौर पे यूज़ करते हैं, है ना। तो इस तो उस बेस पर अलग अलग जो है वो स्पीशीज़ हैं इसमें। ये देखिए, ये इसका प्लांट होता है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत लोगों ने, जिन्होंने नहीं देखा है, ये एमरंथस का प्लांट है। ये हर्बेशियस होता है, एनुअल नेचर का होता है, इरेक्ट ग्रोइंग हुए हैबिट होती है और ब्रांचिंग हैबिट बहुत ज़्यादा नहीं होती है कि प्रोफ्यूज ब्रांचिंग करें, लेकिन फिर भी कुछ एक लिमिटेड अमाउंट तक इसमें ब्रांचिंग पाई जाती है। स्टेम सकुलेंट होता है, स्टेम का जो कलर है वो आपको ग्रीन भी मिलेगा, पर्पल भी। अगर आप हरी पत्ती वाला जो एमरंथस चौलाई देखिए तो उसमें इस तना जो है हरा होता है, और जो लाल चौलाई वाला जो प्लांट होता है उसमें तना जो है रेड होता है, तना ही नहीं इवन जो है पत्ती भी रेड होती है ना। और या फिर कभी कभी आप देखते हैं ग्रीन और रेड का दोनों ही शेड का मिक्स आता है प्लांट में, मतलब रेड कलर और ग्रीन मिक्स रहता है, ऊपर की पत्ती ग्रीन होगी और लोअर पार्ट उसका पर्पल होता है। लीफ इसकी सिंपल होती है, अल्टरनेट होती है, और ऑब्वी शेप जो होता है लीफ का वो ऑब्विएट टू लैंसुलेट शेप की होती है, आप देखें इमेज में। और लीफ का कलर अभी मैंने बताया कि ग्रीन भी, फुली ग्रीन भी हो सकता है या फुली रेड भी हो सकता है, या फिर दोनों का मिक्स शेड, यानी अपर पार्ट जो है रेड और लो सॉरी ग्रीन और लोअर पार्ट जो है पर्पल या रेड। इसमें जो फ्लावर होता है, ये देखिए ऊपर जो क्लस्टर में आपको दिख रहा है रेड कलर में, ये टर्मिनली बॉर्न होता है, टर्मिनल मतलब टॉप पर इसमें फ्लावरिंग होती है और लीफ की एक्सिस पर, है ना, क्लस्टर्स में आता है। और इसके इनफ्लोरेसेंस को हम लोग जो है जो इसका ये जो पैनिकल है, इसको पैनिकल बोलते हैं, लेकिन जो पैनिकल है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे इनफ्लोरेसेंस का भी ग्रुप है, मतलब इनफ्लोरेसेंस के ग्रुप है इसमें ये पूरा का पूरा। और इसकी जो बेसिक यूनिट है इनफ्लोरेसेंस को, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुल, ठीक है ना। इसकी इनफ्लोरेसेंस की जो बेसिक यूनिट है उसको ग्लोमेरुल बोलते हैं, ये बात ध्यान रखनी। मीन्स इसके फ्लावर को हम लोग ग्लोमेरुल बोलते हैं। ये हो सकता है पूछा जा जाए कभी कंपटीशन में आ गई, ग्लोमेरुल जो है किसका जो है फ्लावरिंग पार्ट है या एमरेंथस के फ्लावरिंग पार्ट को टेक्निकली क्या कहते हैं, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। फ्लावर इसका छोटा सा होता है, स्मॉल बहुत साइज में होता है, यूनिसेक्सुअल होता है और मोनोशियस होता है ना। मतलब जो है प्लांट सेम रहता है लेकिन मेल और फीमेल फ्लावर जो है वो डिफरेंट होते हैं। लीफ एमरंथ आर प्रीडोमिनेंटली सेल्फ पॉलिनेटेड, मतलब जो लीफ एमरंथ वाली प्लांट स्पीशीज हैं वो उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, और जो ग्रेन एमरंथ टाइप वाली होती हैं उनमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। मोनोशियस है, मेल और फीमेल प्लांट फ्लावर अलग अलग होते हैं, तो इसमें जो ग्रेन टाइप है उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है और लीफ टाइप में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और एक चीज़ और भी जान लीजिए कि इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो होता है एनिमोफिली पाया जाता है
है ना, जो पॉलिनेटिंग एजेंट है वो एनिमोफिलस है ये, मतलब विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, इंसेक्ट वगैरह के थ्रू नहीं होता है, विंड के थ्रू इसमें पॉलिनेशन होता है। तो ये बहुत क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एनिमोफिली किस में पाई जाती है, बहुत कम वेजिटेबल प्लांट्स वेजिटेबल हैं ऐसी जिनमें विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो, तो उसमें अमरंथस एक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बनता है। उसके बाद नेक्स्ट है टैक्सोनॉमिक, जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं उन्होंने दो सेक्शन अमरंथ के डिसाइड किए हैं, मतलब दो सेक्शन में अमरंथस को डिवाइड किया है, मैंने बताया ग्रेन और लीफ टाइप के बेस पे। तो एक सेक्शन को सिंपल अमरंथस बोला है और दूसरे को ब्लिटॉप्सिस बोला है। अमरंथस जो सेक्शन है, जो प्योर अमरंथस वाला सेक्शन है, उसको ग्रेन टाइप की कैटेगरी में रखते हैं, मतलब जिससे हम लोग सीड प्रोडक्शन लेते हैं, है ना, मतलब उसके फ्लावर और सीड के लिए ग्रो करते हैं। और जिसमें लीफ के लिए हम लोग जिस स्पेशीज़ को ग्रो करते हैं उसमें, उस सेक्शन को बोलते हैं ब्लिटॉप्सिस, है ना। तो इस तरह पूरी अमरंथस जीनस को दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है, एक अमरंथस में ही और दूसरे को कहा गया है ब्लिटॉप्सिस, जिसमें कि लीफ टाइप आता है। तो जो वेजिटेबल जो अमरंथस है, मतलब चौलाई जो लीफ के लिए जब हम लोग कल्टिवेट करते हैं जिस स्पेशीज़ को, वो ब्लिटॉप्सिस सेक्शन से बिलोंग करती है, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं कौन कौन सी वो स्पेशीज़ है जो ग्रेन टाइप है और लीफ टाइप है, है ना। तो देखिए पहली स्पेशीज़ है अमरंथस ट्राइकलर, या इसका दूसरा नाम भी है अमरंथस गैंगिटिकस। फिर दूसरी स्पेशीज़ है अमरंथस मैंगोस्टेनस और या और अमरंथस पॉलीगोनॉइड्स। ये लीफ टाइप है, अमरंथस ट्राइकलर, अमरंथस मैंगोस्टेनस, ये लीफ टाइप है। उसके बाद नेक्स्ट स्पेशीज़ है अमरंथस ड्यूबियस, ये भी लीफ टाइप है। अमरंथस ब्लाइटम, ये जो है ये भी लीफ टाइप है। और अमरंथस ट्रिस्टिस, ये भी लीफ टाइप है ना। और फिर है अमरंथस विरिडिस, ये भी लीफ टाइप है। अब इतनी जो लीफ टाइप स्पीशीज़ है, इनमें भी सबसे ज़्यादा जिन स्पीशीज़ का कल्टीवेशन होता है वो होता है अमरंथस ट्राइकलर, अमरंथस ड्यूबियस, अमरंथस ब्लाइटम और अमरंथस ट्रिस्टिस, ठीक है। तो चौराई का जो भी जो स्पीशीज़ है जिसका सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन किया जाता है, या जिस जिस स्पीशीज़ की सबसे ज़्यादा वेराइटीज़ डेवलप्ड हैं, वो यही चार स्पीशीज़ हैं, अमरंथस ट्राइकलर, अमरंथस ड्यूबियस, अमरंथस ब्लाइटम और अमरंथस ट्रिस्टिस। तो ये याद आप लोगों को रखना होगा, ठीक है। उसके बाद ग्रेन टाइप जो अमरंथस हैं वो कौन से हैं, मतलब जिनको जिनके सीड के लिए या रामदाना जिसको कहते हैं उसके प्रोडक्शन के लिए हम लोग ग्रो करते हैं, तो वो स्पीशीज़ हैं अमरंथस स्पाइनोसस, अमरंथस क्रुएंटस, अमरंथस कॉडेटस और अमरंथस हाइपोकॉन्ड्रियाकस, है ना। ये चार स्पीशीज़ जो हैं ग्रेन टाइप की हैं, मतलब इनको हम लोग इस स्पीशीज़ को, चौलाई की इस स्पीशीज़ को हम लोग सीड प्रोडक्शन के लिए ग्रो करते हैं। और प्लांट बिल्कुल सेम होता है, ग्रेन टाइप हो चाहे लीफ टाइप हो, प्लांट बिल्कुल सेम होता है, जैसे हम लोगों ने बॉटेनिकल कैरेक्टरिस्टिक में देखा है। वेराइटीज़ इसकी डिस्कस करते हैं, तो हम लोग क्योंकि लीफ टाइप को पढ़ रहे हैं, वेजिटेबल कल्टीवेशन हम सिर्फ देख रहे हैं इसका, सिर्फ लीफ कल्टीवेशन के लिए, तो हम उन्हीं वेराइटीज़ को डिस्कस करेंगे जो जिनको कि लीफ के लिए ग्रो करते हैं, मतलब लीफ टाइप अमरंथ को। तो जो पॉपुलर वेराइटीज़ हैं वो है पूसा छोटी चौलाई, ये आयराई से रिलीज्ड वेराइटी है, पूसा छोटी चौलाई, छोटी मतलब पत्तियाँ इसमें छोटी होती हैं। और ये स्पेशीज़ किस स्पेशीज़ की ये वेराइटी है, अमरंथस ब्लाइटम। उसके बाद दूसरा है पूसा बड़ी चौलाई, पूसा बड़ी चौलाई जिस स्पेशीज़ की वेराइटी है वो है अमरंथस ट्राइकलर। उसके बाद है पूसा कीर्ति, ये भी अमरंथस ब्लाइटम स्पीशीज़ की वेराइटी है। पूसा किरण, अमरंथस ट्राइकलर स्पीशीज़ की वेराइटी है। पूसा लाल चौलाई, ये भी अमरंथस ट्राइकलर की वेराइटी है। तो ये सारी वेराइटीज़ आईआरआई से रिलीज्ड हैं। आईआईएचआर की वेराइटी है अर्का सुगुना, अमरंथस ट्राइकलर की स्पीशीज़ है। अर्का अरोनिमा, ये भी अमरंथस ट्राइकलर की स्पीशीज़ है। उसके अलावा तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जो रिलीज वेराइटी है वो है कोयमटूर 1, कोयमटूर 2, कोयमटूर 3, कोयमटूर 4, कोयमटूर 5, जो कि रेस्पेक्टिव जो है स्पेशीज़ की वेराइटीज़ हैं। और अमरंथस पॉलीगोनाइड्स की जो स्पेशीज़ है उसकी जो एक वेराइटी है लोकल है वो सिरु खीराई, ये वहीं के लोकल जो नाम पर बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद अमरंथस 105 और अमरंथस 237, ये भी अमरंथस ट्राई कलर की ही जो है
वैरायटी है। तो ये इतनी जो पॉपुलर वैरायटी है अमरंथस की वो यही है, जिसको कि मतलब लीफ टाइप अमरंथ के कल्टीवेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। एक चीज़ और जान लीजिए आप लोग कि अमरंथस, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है नेट में, JRF में बहुत बार पूछा गया या PCS वगैरह में भी पूछा गया है अमरंथस से रिलेटेड, और हो सकता है कि आप लोगों के सामने कहीं ना कहीं आएगा ज़रूर कि अमरंथस एक ऐसा प्लांट है जिससे जिसके एक क्योंकि मैंने बताया कि जो है ये हाई प्रोटीन कंटेंट इसमें पाया जाता है, इसके बीज में प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो एमरंथस का जो प्रोटीन के लिए रेस्पॉन्सिबल जो जीन है, उस जीन को पोटैटो में जो है ट्रांसफ़र करके ट्रांसजेनिक वैरायटी, पोटैटो की एक ट्रांसजेनिक वैरायटी डेवलप की गई है। क्योंकि देखिए इसलिए किया गया है, जान लीजिए कि ज़्यादातर अपनी यहाँ अपने इंडिया की पॉपुलेशन में गरीबों की आबादी ज़्यादा है, तो जिनका कि जिन जो कि आलू तक तो उनकी पहुंच है, मतलब जो स्टेपल फूड्स हैं वो तो उन मतलब कार्बोहाइड्रेट वगैरह तो इजीली उनको अवेलेबल है, पर बहुत सारे लोगों में प्रोटीन के प्रति मेल न्यूट्रिशन देखा गया है। तो ये देखा गया कि अगर किसी तरह से पोटैटो में प्रोटीन सिंथेसाइजिंग जीन अगर इंसर्ट कर दिया जाए या डाल दिया जाए, तो वो पोटैटो में स्टार्च के साथ साथ प्रोटीन भी प्रोड्यूस, मतलब प्रोटीन कंटेंट भी होगा। तो जब जो लोग पोटैटो का कंजप्शन करेंगे उनको स्टार्च के साथ साथ प्रोटीन भी मिलेगा उनकी बॉडी को। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो ट्रांसजेनिक वैरायटी एक पोटैटो की डेवलप की गई है, जिसमें अमरंथस यानी चौलाई से प्रोटीन के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल है, उस जीन को है ना उस एमरंथस उस जीन को AMT करके उस जीन को कहते हैं, उस जीन को ट्रांसफ़र किया गया है पोटैटो में, जिससे ट्रांसजेनिक पोटैटो डेवलप किया गया है। और ये जो ट्रांसजेनिक पोटैटो है इसमें प्रोटीन का सोर्स, मतलब प्रोटीन का इसमें सिंथेसिस हो, इसलिए जो है ये वैरायटी पोटैटो की डेवलप की गई है ना, ट्रांसजेनिक जो है पोटैटो डेवलप किया गया है। तो ये बहुत एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरह आता है कि जो ट्रांसजेनिक पोटैटो जो कि प्रोटीन कंटेंट के लिए डेवलप किया गया है, तो वो जीन किस प्लांट से लिया गया है, ऐसा करके ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग जो है तुरंत से देखेंगे अमरंथस ऑप्शन पर आप लोग टिक लगाइएगा, बिना कुछ सोचे समझे, है ना। तो ये इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। या फिर ऐसे भी पूछा जाता है कि अमरंथस से जो जीन पोटैटो, मतलब जो जीन एक्सट्रैक्ट करके पोटैटो में जो है ट्रांसजेनिक पोटैटो जो डेवलप किया गया है, वो किस न्यूट्रिएंट के लिए डेवलप किया गया है, तो आपका ऑप्शन होगा प्रोटीन के लिए। तो इस तरह से घुमा फिरा करके क्वेश्चन आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग लिख लीजिए, वरना भी हम जब टेस्ट सीरीज अभी हम बीच में अभी हमने रोक दी है, आपका ये कोर्स ओवर हो जाए तो फिर हम टेस्ट सीरीज जो करेंगे उसमें हम ये सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे। अब चलिए इसके कल्टीवेशन से पहले देखते हैं इसकी क्लाइमेटिक और सॉइल कंडीशन। तो अमरंथस जो है ये वार्म, मतलब समर सीजन की ये वेजिटेबल क्रॉप है, तो इसको जो इसकी क्योंकि इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो इसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल टाइप की चाहिए, है ना। तो इसको हॉट ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन इसके लिए बेस्ट है, पौधा जो है हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में बेहतर ग्रो करता है। तो जो लीफ टाइप प्लांट्स हैं अमरंथस हैं वो डे न्यूट्रल है, मतलब डे लेंथ का मैटर नहीं करता कि डे लेंथ से प्लांट की ग्रोथ पर कोई इफेक्ट पड़े, लेकिन जो ग्रेन अमरंथ है जो मतलब सीड के लिए जो अमरंथस यूज़ किया जाता है वो जो है शॉर्ट डे टाइप के होते हैं, मतलब उनको शॉर्ट डे लेंथ में प्लांट इजीली डेवलप हो जाता है और फ्लावरिंग भी हो जाती है और सीड प्रोडक्शन भी हो जाता है, एक्सेप्ट एक स्पीशीज को छोड़ दिया जाए अमरंथस हाइपोकॉन्ड्रिएटिस, ये भी ग्रेन टाइप है पर ये डे न्यूट्रल है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, है ना। तो जो है डे लेंथ की प्रॉब्लम नहीं है इसे कल्टीवेशन के लिए। और जो रेड अमरंथ है, मतलब लाल पत्ती वाली जो चौलाई है, उसको ब्राइट सनलाइट चाहिए ताकि कलर डेवलपमेंट हो, और रेड कलर उसमें बिकॉज ऑफ द एंथोसाइनिन है। सॉइल कंडीशन अमरंथस की, अमरंथस कल्टीवेशन के लिए जो चाहिए वो है वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल और ऑर्गेनिक मैटर में रिच होनी चाहिए। और जो सॉइल का pH होना चाहिए वो 5.5 टू 7.5 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा प्लांट है जिसको हाई pH में भी ग्रो किया जा सकता है अप टू 10, देख रहे हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि
जो है अल्कलाइन सॉइल में इजिली कल्टिवेट, सेलाइन अल्कलाइन सॉइल में जो इजिली कल्टिवेट होने वाले कौन सी वेजिटेबल है, तो उसमें एक अमरंथस भी आता है, एमरंथस है और ओकरा है। ये थोड़ा सा एल्कलिनिटी मतलब अबव 7 के अबव भी इसका पीएच है, 8 के अबव भी पीएच है, तो आप इसको इजिली कल्टिवेट कर सकते हैं। तो ऐसी सॉइल में भी आप इसको कल्टिवेट कर सकते हैं जो कि पीएच जिसका बहुत ज़्यादा हो। अब लैंड प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो लैंड प्रिपरेशन बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग जो है अदर वेजिटेबल क्रॉप्स में हम लोगों ने देखा कि फाइनली उसको प्लॉइंग करेंगे, 2 से 3 बार हैरोइंग करेंगे तो अच्छे से लेवल करेंगे, और फील्ड प्रिपरेशन के दौरान ही 20 से 25 टन अगर FYM मतलब ऑर्गेनिक मैटर कम है तो जनरली रहता ही है, तो 20 to 25 टन ऑर्गेनिक मैटर जो है उसी समय सॉइल में इनकॉर्पोरेट कर देंगे, है ना। अब सोइंग के दो मेथड हैं, मतलब बुआई के दो मेथड हैं, एक है डायरेक्ट सोइंग और दूसरा ट्रांसप्लांटिंग मेथड है, यानी जो प्लांट है उसको डायरेक्ट बीज को फील्ड में भी मतलब जो है ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, या फिर पहले नर्सरी करके और फिर जो है सीडलिंग्स को प्लांट करें, है ना। तो चलिए पहले देख लेते हैं डायरेक्ट सोइंग मेथड कैसे होता है। अगर आपको डायरेक्ट सोइंग करनी है तो आप जो आपने फील्ड तैयार की है, लैंड प्रिपेयर की है, उसको जो है रेक्टेंगुलर शेप के प्लॉट्स में डिवाइड कर लीजिए। पूरी फील्ड को रेक्टेंगुलर शेप का प्लॉट कितना साइज़ का होना चाहिए, लंबाई उसकी मतलब 3 से 4 मीटर लगभग रखिए, और जो चौड़ाई होगी प्लॉट की वो 1.5 से 2 मीटर के आसपास। इरिगेशन और दोनों हर प्लॉट्स के बीच में को मतलब जो दो क्यारियाँ जो बनेंगी उनको बीच में इरिगेशन चैनल होना चाहिए 50 सेंटीमीटर का हर दो प्लॉट के बीच में। तो इस तरह से आप पूरे फील्ड को जितना भी आपका एरिया है उसको इसी तरह रेक्टेंगुलर प्लॉट्स में आप डिवाइड कर लीजिए। फिर इन प्लॉट्स में आप एमरंथस का जो बीज है उसकी बुआई करेंगे। अब एमरंथस का जो बीज होता है वो बहुत स्मॉल साइज़ का होता है, छोटा होता है, आपने देखा है रामदाना, है ना, बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं, तो उसके सीड बहुत छोटे होते हैं, तो इसलिए बुआई से पहले उसके बीज को आप सैंड में अच्छे से मिक्स कर लीजिए बालू के साथ, ताकि जो है उसकी ब्रॉडकास्टिंग करने में आसानी रहे। ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं या लाइन सोइंग भी कर सकते हैं, एरिया कम है तो आप लाइन सोइंग भी कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा है तो आपको बहुत ज़्यादा लेबर लगेगी लाइन सोइंग के लिए, तो आप ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। तो ब्रॉडकास्टिंग करने के बाद फिर सीड को जो है, क्योंकि सीड तो ऊपर ही रहेगा, आपकी प्रिपेयर्ड जो आपने प्लॉट्स तैयार किए हैं उसमें सीड ऊपर ही रहेगा, उसके बाद रेक आती है, आप लोगों ने रेक देख रखी है लैब में, उस रेक की मदद से सीड को और मिट्टी को मिक्स कर दीजिए, मतलब रेक ब्रॉडकास्टिंग करने के बाद क्यारियों पर रेक चला दीजिए जिससे मिट्टी सीड जो है अच्छी तरह से सॉइल में मिक्स हो जाए, है ना। और उसके बाद एक हल्की सी लेयर जो है सॉइल की या सैंड की उससे जो है उससे ढक दें क्यारियों को, है ना, तो और हल्की सी सिंचाई कर दें, तो इससे क्या होगा कि ईजिली आपका सीड बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दाने बहुत छोटे होते हैं तो ऊपर रहेंगे तो ईजिली वो जो है जर्मिनेट कर जाएंगे, और फिर हल्का सा लाइट इरिगेशन कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसकी बुआई करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि जो है सीड जो है हफ्ते भर में जो है जर्मिनेट कर जाता है, और फिर आप जो सीडलिंग्स हैं जो तैयार मतलब जो पौधे तैयार हो जाते हैं तो वो 30 दिन में ही आप वो मार्केटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं, मतलब 30 दिन में, 1 महीने में ही पौधा इतना बड़ा होता है, मतलब हर बहुत आपने देखा होगा जो चौलाई जो मार्केट में बिकने आती है बहुत ज़्यादा उसकी स्टेम हार्ड नहीं होनी चाहिए, पत्ती मतलब स्टेम उसका सॉफ्ट ही रहना चाहिए, हर्बेशियस रहना चाहिए, इसीलिए 30 दिन में ही पौधे को जड़ सहित भी उखाड़ सकते हैं। तो जो डायरेक्ट सोइंग है मतलब एक्चुअली जो एमरंथस है चौलाई है, इसकी कुछ स्पेशीज़ ऐसी होती हैं जिनमें जिनको मतलब सिंगल हार्वेस्टिंग उसमें करते हैं, सिंगल मतलब कि एक बार आपने बोया फिर पूरा का पूरा प्लांट जड़ सहित उखाड़ लिया और उसको मार्केट में बेच दिया बंडल बना करके, और कुछ वैरायटी ऐसी होती हैं जिनमें आप जड़ सहित उसको हार्वेस्ट नहीं करते, उसको नीचे से उसकी स्टेम बस कट कर लेते हैं और उसके बाद फिर नया प्लांट उसमें जो है आने लगता है, तो उसमें कई बार रेटून क्रॉप भी आप ले सकते हैं, है ना। तो जो डायरेक्ट सोइंग मेथड में आप जनरली उस वैरायटी को ग्रो करते हैं जो कि जिसमें सिंगल हार्वेस्टिंग आपको करनी होती है, है ना। तो इस तरह से आपने जो सिंगल हार्वेस्टिंग करनी है तो आप 30 दिन में आपका प्लांट जो है वो हार्वेस्टिंग के लिए जो पौधे मतलब अच्छी खासी हाइट के हो जाते हैं आप उनको जड़ सहित उसको उखाड़ लीजिए, उसके बंडल बना करके और आप मार्केट में सेल कर दीजिए,
और जो सीड रेट चाहिए एक हेक्टेयर में बुआई के लिए, वो 2 से 2.5 किलो सफिशेंट होता है बीज, जिसको कि आप बालू में मिक्स करके उसकी बुआई कर देते हैं, है ना। तो जैसे फर्स्ट कुछ प्लांट जो है 30 मतलब 1 महीने में कुछ प्लांट रेडी हो जाएंगे हार्वेस्टिंग के लिए, तो उन प्लांट्स को आप हार्वेस्ट करके आपने बेच दिया। उसके बाद बाकी कुछ पौधे छोटे रहते हैं, क्योंकि सारे के सारे पौधे इकट्ठे नहीं एक एक ही हाइट के हो जाते हैं, कुछ पौधे छोटे भी रहते हैं, तो उन छोटे पौधों को फिर से ग्रो होने मतलब और ज़्यादा ग्रो करने के लिए यूरिया का ब्रॉडकास्टिंग कर दीजिए। मतलब हार्वेस्टिंग के बाद बचे हुए पौधों पर फिर यूरिया का छिड़काव कर दीजिए, मतलब कोई भी नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र का छिड़काव कर दीजिए, जिससे कि जो बचे हुए सीडलिंग्स हैं या बीज हैं जो जिनके पौधे छोटे हैं उनको दोबारा सेकेंड हार्वेस्टिंग करेंगे तो 10 से 15 दिन बाद जो है फिर उन पौधों को भी आप हार्वेस्ट करके बेच सकते हैं, है ना। तो इस तरह आप तब तक करेंगे जब तक कि आपके जो फील्ड है उसमें जब तक सारी के सारे बीज या पौधे जब तक कि ग्रो नहीं कर जाते, आप उतनी बार उसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से डायरेक्ट सोइंग मेथड में करते हैं। दूसरा मेथड है ट्रांसप्लांटिंग मेथड। ट्रांसप्लांटिंग मेथड उन वेराइटीज़ में करते हैं जिनमें कई बार कटिंग लेनी है, मतलब पौधे को जड़ सहित नहीं हार्वेस्ट करते, सिर्फ स्टेम कट करते हैं और फिर से नया नया जो है जो स्टेम की जो बेस है वहाँ से साइड ब्रांचिंग होकर के जो है प्लांट फिर डेवलप होता है। तो वो ट्रांसप्लांटिंग मेथड से ऐसी वैरायटी को हम जो है बुआई करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, नर्सरी में हम लोग बीज को बोते हैं, 20 से 25 दिन मतलब बुआई के 20 से 25 दिन बाद सीडलिंग तैयार हो जाती है, और फिर इस सीडलिंग को हम जो है ट्रांसप्लांट करेंगे अपने रेक्टेंगुलर बेड्स में, जो हम लोगों ने फील्ड प्रिपेयर किया रेक्टेंगुलर साइज के जो बेड्स बनाए हैं उसमें जो है हम छोटे छोटे पौधे ट्रांसप्लांट करेंगे। कितनी दूरी पर करेंगे, वो जो रो टू रो डिस्टेंस 20 से 25 सेंटीमीटर रखेंगे और पौध से पौध की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर प्लांटिंग कर देंगे। तो अगर आपको ट्रांसप्लांटिंग मेथड से जब आप बुआई करेंगे तो आपको जो सीड रेट है वो और कम लगेगी, 500 ग्राम मतलब आधा किलो सीड ही एक हेक्टेयर के लिए सफिशेंट होता है। तो देखिए दोनों मेथड से बुआई में सीड रेट में भी जो है वो फर्क आ जाता है, ठीक है। अब मैन्योर फर्टिलाइज़र कितना अप्लाई करेंगे, तो एक तो फील्ड प्रिपरेशन के दौरान ही आपने 20 से 25 टन FYM आप अप्लाई कर देंगे। दूसरा FYM के साथ साथ NPK भी फील्ड प्रिपरेशन के दौरान अप्लाई कर दिया जाता है 50-25 और 20 के रेशियो में, है ना, जिसमें फॉस्फोरस और पोटाश की तो पूरी डोज हम डाल देते हैं जैसे सभी वेजिटेबल क्रॉप में हमने देखा, और नाइट्रोजन की हम 1/3 डोज डालेंगे और बाकी 2 डोज जो है हम जो है वो अपनी हार्वेस्टिंग के अकॉर्डिंग हम डालेंगे ऐड करेंगे। और जो क्लिपिंग वैरायटी है मतलब जिसमें कई बार आपको हार्वेस्ट करना है, प्लांट को जड़ सहित नहीं उखाड़ना होता है, सिर्फ स्टेम कर कट कट करते हैं और उसके बाद फिर से बार बार उसमें आप हार्वेस्ट कर सकते हैं रेटून क्रॉप के तौर पे, उसको क्लिपिंग वैरायटी बोलते हैं। तो क्लिपिंग वैरायटी क्योंकि हमें कई बार हार्वेस्टिंग करनी है तो उसमें हम थोड़ा ज़्यादा फर्टिलाइज़र अप्लाई करेंगे, तो 75-25-25 के रेशियो में हम फर्टिलाइज़र अप्लाई करेंगे सॉइल में। और जो यूरिया है नाइट्रोजन है वो हर कटिंग के बाद या हर क्लिपिंग के बाद हम हार्वेस्ट करेंगे, क्योंकि देखिए नाइट्रोजन हम लोग जानते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रमोट करता है और इसमें जो हमारे लिए इकोनॉमिक पार्ट है चौलाई में वो वेजिटेटिव पार्ट ही है, मतलब पत्ती और तना, इसी के लिए हम इसका कल्टीवेशन करते हैं, तो इसलिए हम नाइट्रोजन जो है अप्लाई करेंगे। इरिगेशन कैसे करनी है, जो ग्रेन अमरंथ है मतलब अगर दाने के लिए आपने चौलाई की बुआई की है तो वो तो जो है ड्रॉट टॉलरेंट स्पीशीज़ होती है, मतलब सूखा बर्दाश्त कर सकती है, पर जो लीफ एमरंथ है मतलब ये जो पत्तियों के लिए जो चौलाई का जो साग है वो उन वेराइटीज़ को के लिए जो है हमें फ्रीक्वेंट इरिगेशन करते रहना है ना, सॉइल में मॉइस्चर बने रहना चाहिए तभी वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो प्रॉपर होती रहेगी। इंटरकल्चर प्रैक्टिस में अमरंथस बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है और शैलो रूटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा गहराई में इसकी जड़ भी नहीं जाती और बहुत लंबा इसका ड्यूरेशन भी नहीं होता, तो इसमें वीड की प्रॉब्लम जल्दी नहीं आने पाती, ये ऑटोमेटिकली प्लांट बड़ी जल्दी ग्रो करता है ना। लेकिन क्योंकि 30 दिन में ही आपका प्लांट तैयार है तो इतनी जल्दी वीड का जो है प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते कि प्लांट अच्छा सा ग्रो करे और किसी भी तरह के अगर थोड़े बहुत वीड ग्रो भी कर गए हैं तो हल्की हल्की पौधों के आसपास गुड़ाई कर दीजिए, जिससे कि सॉइल में क्रस्ट ना बनने पाए मतलब पपड़ी ना जमने पाए, ताकि कुछ बीज अगर अंदर रह गए हो तो वो भी जर्मिनेट कर जाएं, तो सॉइल लूज़ रहेगी तो रूट अच्छे से ग्रो करेगी और पौधा भी शूट ग्रोथ भी उसकी ज़्यादा होगी, है ना।
तो जब आप मल्टी क्रॉप जिसमें लेते, सॉरी मल्टी क्लिपिंग वेराइटी है जिसमें, उसमें वीड की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आप लंबे समय तक हार्वेस्टिंग करते हैं तो आपको समय समय पर मैनुअल वीडिंग जो है वो करनी पड़ेगी, स्पेशली इनिशियल स्टेजेस में। हार्वेस्टिंग कब करते हैं अमरंथस की? हार्वेस्टिंग दो मेथड से मैंने बताया, या तो एक जड़ सहित उखाड़ लेते हैं तो उसको बोलते हैं बाई पुलिंग आउट, पुलिंग मेथड है ये, जब आप रूट सहित आप हार्वेस्ट करते हैं, है ना, और जो, या फिर आप रूट छोड़ करके सिर्फ स्टेम जब कट करते हैं तो उसे बोलते हैं क्लिपिंग मेथड, तो वो वैरायटी टू वैरायटी डिपेंड करता है। तो इस दोनों ही मेथड से आप हार्वेस्टिंग करते हैं। मॉर्निंग में आप हार्वेस्टिंग करेंगे, फर्स्ट मेथड में देखिए लिखा हुआ है कि प्लांट को पुल्ड आउट कर लेते हैं रूट सहित 30 दिन पे, 45 दिन पे और 55 दिन पे, है ना, बुआई के बाद। उसके बाद जो है आप प्लांट्स की जो जड़ें उसको धुल करके अच्छे से, पत्तियों को धुल करके और बंडल बना के मार्केट में सेलिंग के लिए भेज देते हैं। दूसरे मेथड मतलब मल्टी कट मेथड में, जिसमें आपको कई बार क्लिप कट करना है मतलब वेजिटेटिव पार्ट को, उसमें पहली बार जो कटाई करते हैं वो 20, 25 से 35 दिन पे जो है वो बुआई के बाद करते हैं, और उसके बाद जो बाकी आगे की जो फिर से रेटून क्रॉप जो लेते हैं वो वैरायटी टू वैरायटी वेरी करता है। जैसे मान लीजिए पूसा जो छोटी चौलाई है, पूसा छोटी चौलाई, उसमें जो है हफ्ते भर में ही वो तैयार हो जाती है दोबारा कटाई के लिए, और जो पूसा बड़ी चौलाई चौलाई की जो वैरायटी है वो 10 दिन बाद पौधा फिर हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाता है। तो मतलब 10 से 15 दिन के अंतर पर आपको जो है सबसीक्वेंट हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है। ईल्ड इसकी जो अगर बात की जाए ईल्ड की, तो ईल्ड जो है 10 से 15 टन पर हेक्टेयर इसमें ईल्ड देखी गई है, मतलब सारी की सारी हार्वेस्टिंग को एक साथ अगर हम कंपेयर करें, यानी कि फर्स्ट हार्वेस्टिंग में जब पूरा का पूरा आप क्रॉप की जो हार्वेस्टिंग है उसका अगर वेटेज के टर्म्स में देखें तो ईल्ड जो हमें मिलती है एक हेक्टेयर से वो 10 से 15 टन हमें ईल्ड मिलती है। अब इसमें एक चीज़ ये देख लेते हैं, बोल्टिंग। बोल्टिंग एक्चुअली जब हम लीफ एमरंथ का कल्टीवेशन करते हैं, यानी पत्तियों के लिए जब हम चौलाई का कल्टीवेशन करते हैं, तो बोल्टिंग जो है एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बोल्टिंग क्या होता है? बोल्टिंग जो है प्री मैच्योर फ्लावरिंग, यानी मैच्योरिटी से पहले ही पौधे में अगर फ्लावरिंग, पौधा फ्लावरिंग स्टेज में पहुंच जाए तो वो कहलाता है बोल्टिंग। तो जब हम लीफ टाइप चौलाई का कल्टीवेशन कर रहे हैं तो बोल्टिंग जो है डिजायरेबल नहीं है, पौधा जो है फ्लावरिंग स्टेज में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पौधा फ्लावरिंग स्टेज में चला जाएगा तो फिर हम वो हार्वेस्टिंग लीफ उसकी हार्वेस्टिंग के लिए सूटेबल नहीं रहती, उसकी क्वालिटी जो है वो डाउन हो जाती है पौध लीफ की और स्टेम की। तो बोल्टिंग जो है एक सीरियस समस्या देखी गई है इस चौलाई के कल्टीवेशन में, है ना। तो जो शॉर्ट डे वेराइटीज़ हैं स्पेशली उनमें ज़्यादा ये देखा गया है, नवंबर दिसंबर के टाइम पे मतलब पौधा जो है वो फ्लावरिंग स्टेज में चला जाता है। साथ ही साथ बोल्टिंग का एक रीज़न ये भी है कि डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन जब पौधे फील्ड में होती है तब भी जो है फ्लावरिंग स्टेज या बोल्टिंग में पौधा चला जाता है। तो हमें इसीलिए हम लोगों ने अभी पीछे देखा कि हर हार्वेस्टिंग के बाद सफिशिएंट नाइट्रोजन की एप्लीकेशन करते रहना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने नाइट्रोजन के बारे में हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजन वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रमोट करता है और पौधे को फ्लावरिंग स्टेज में नहीं जाने देता, है ना। तो नाइट्रोजन का सफिशिएंट एप्लीकेशन करना चाहिए, और एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर भी कभी कभी फ्लावरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है बोल्टिंग के लिए, और पुअर सॉइल एरेशन यानी मिट्टी में अगर क्रस्ट बन गया है, एरेशन नहीं है, तब भी पौधा जो है फ्लावरिंग स्टेज में चला जाता है। यानी पौधे को किसी भी तरह का इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होता है अगर, तो पौधे में प्री मैच्योर फ्लावरिंग हो जाती है। तो इससे इसको कंट्रोल करने का तरीका है कि एक तो आइडियल टाइम पर आप प्लांटिंग करिए, है ना, दूसरा फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, मतलब समय जल्दी जल्दी नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन करती रहिए ताकि पौधे में जो है वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो डोमिनेट करती रहे और फ्लावरिंग स्टेज में पौधा ना जाए, है ना। और साथ ही साथ सॉइल क्रस्ट को भी बीच बीच में मतलब मिट्टी को आसपास उसकी गुड़ाई करते रहिए जिससे क्रस्ट फॉर्मेशन ना हो जाए, है ना, और एरेशन बना रहे और पौधा जो है बोल्टिंग में नहीं मतलब बोल्टिंग नहीं करेगा या प्री मैच्योर फ्लावरिंग उसमें नहीं होगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट एमरंथस कल्टीवेशन। अगर इसमें किसी भी तरह का आपको कोई डाउट लग रहा है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिएगा कि
ठीक है, हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। लेकिन ये बहुत टफ नहीं है, ये पहली लीफी वेजिटेबल क्रॉप का कल्टीवेशन है जिसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है नेक्स्ट लीफी वेजिटेबल क्रॉप को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।